आज मैं B.Sc एविएशन एंड B.Tech एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि इन कोर्सेज से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या डिफरेंस है इनमें और क्या ये आपको पायलट ट्रेनिंग में हेल्प करेगा या नहीं, क्योंकि ये सवाल आप में से काफ़ी लोगों ने पूछा है। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन कोर्सेज को परस्यू करने के लिए आपका साइंस बैकग्राउंड से होना ज़रूरी है, दैट इज़ 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, क्योंकि ये बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया रहता है अप्लाई करने के लिए। और ये कोर्स आप इंडिया या अब्रॉड कहीं से भी कर सकते हो, बट डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज इंडक्शन क्राइटेरिया भी वेरी कर सकता है इन टर्म्स ऑफ एज, परसेंटेज, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स और मेरिट, क्योंकि हर कॉलेज में लिमिटेड सीट्स हैं। इसीलिए हो सकता है आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाए या कोई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़े उस स्पेसिफिक कॉलेज या स्टेट का, या नेशनल लेवल एग्जाम क्लियर करना पड़े एंड उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाए। तो वो सब आपको खुद से देखना पड़ेगा एंड आई होप इन सब एग्जाम्स के बारे में आपको पता होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इन कोर्सेज के बीच में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट है कोर्स ड्यूरेशन एंड स्ट्रक्चर। तो B.Sc एविएशन 3 ईयर्स का ग्रेजुएशन कोर्स है, जिसमें आपका कंटेंट मेनली थ्योरेटिकल एंड कोर साइंस पे बेस्ड रहता है। दैट इज़ जो भी कॉन्सेप्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है एविएशन में, वो आपको ब्रॉडली स्टडी करना है एंड थोड़ा बहुत फ्लाइंग रिलेटेड प्रैक्टिकल भी रहता है, जस्ट लाइक एनी अदर ग्रेजुएशन कोर्स। ऑन द अदर हैंड, B.Tech 4 ईयर्स का ग्रेजुएशन कोर्स है एंड इसमें आपको मेनली अप्लाइड साइंस पढ़ना होता है, दैट इज एप्लीकेशन पोर्शन, जो प्योरली टेक्निकल रहता है एंड प्रैक्टिकल भी आपका थोड़ा सा ज़्यादा रहता है कंपैरेटिवली। हालांकि B.Sc से कंपैरिजन ना करके अगर इन जनरल बोलूँ तो किसी भी इंजीनियरिंग कोर्सेज में थ्योरी पोर्शन ही आपका ज़्यादा रहता है, जो भी आपका प्रैक्टिकल रहता है वो फाइनल ईयर में रहता है, दैट इज इन योर प्रोजेक्ट, क्योंकि ये आपका एक सब्जेक्ट रहता है। नेक्स्ट है डोमेन सिलेक्शन। B.Sc में आपको कोई स्पेसिफिक डोमेन चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, जो भी कोर्स है वो सबके लिए यूनिफॉर्म रहता है फॉर स्ट्रेट 3 ईयर्स। लेकिन B.Tech में ऐसा नहीं होता, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, फर्स्ट ईयर तक सबको कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ना होता है सभी ब्रांचेस का, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, ये सब आपको पढ़ना है। देन फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आप अपने डोमेन में आगे बढ़ते हो जिसमें भी आपने एडमिशन लिया है। तो ये ऑप्शन मिसिंग है B.Sc में। नेक्स्ट है लैटरल एंट्री स्कीम। B.Sc एविएशन में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो सेकेंड ईयर में, अगर आप ऑलरेडी CPL होल्डर हो या हायर लाइसेंस है आपके पास तो आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो। इससे आपका कोर्स 2 ईयर्स का हो जाता है, क्योंकि DGCE एग्जाम्स को एज फर्स्ट ईयर कंसिडर कर लिया जाता है। हालांकि B.Tech में भी इस टाइप का ऑप्शन रहता है, बट वो मेनली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए रहता है, नॉट फॉर CPL होल्डर्स। दैट मीन्स लाइसेंस का कोई भी एडवांटेज आपको B.Tech कोर्सेज में नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट है सब्जेक्ट्स। B.Sc एविएशन का सब्जेक्ट मोर और लेस सिमिलर है पायलट ट्रेनिंग स्टडीज से, दैट इज योर ग्राउंड ट्रेनिंग, क्योंकि सेम वही सब्जेक्ट्स आपको यहाँ भी पढ़ना है, दैट इज एयर रेगुलेशन, नेविगेशन, मेटेरोलॉजी, एयरक्राफ्ट इंजिन एंड ऑल। इनफैक्ट आपको इसमें थोड़ा ज्यादा ही डिटेल पढ़ना है, तो ये आपको DGCE एग्जाम क्लियर करने में काफी हेल्प करेगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक स्ट्रांग बेस बन चुका है 3 ईयर्स में। बट B.Tech एरोनॉटिकल का सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि हर सब्जेक्ट आपका एप्लीकेशन बेस्ड रहेगा, तो ये डायरेक्टली अलाइन नहीं होता पायलट ट्रेनिंग स्टडीज से, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली ये आपको काम आ सकता है कुछ कुछ टॉपिक्स में। इन दोनों कोर्सेज का सिलेबस एंड स्ट्रक्चर मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, जस्ट आपके आइडिया के लिए, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट है हायर स्टडीज। अगर आपका रिसर्च एंड टीचिंग में इंटरेस्ट है तो B.Sc के बाद आप MSc या PhD कर सकते हो किसी भी स्पेसिफिक डोमेन में। सेम वे B.Tech के बाद आप M.Tech या PhD कर सकते हो, या बिजनेस एंड मैनेजमेंट में आपका इंटरेस्ट है तो MBA या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी कर सकते हो, एज पर योर चॉइस। बट अगेन इसमें एडमिशन के लिए या तो आपका ओवरऑल एग्रीगेट देखा जाएगा, या आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा नेशनल लेवल का या स्टेट लेवल का या उस स्पेसिफिक कॉलेज का, तो वो आपको देखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट है प्लेसमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज। तो प्लेसमेंट के लिए अगर कंपनीज आती हैं तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो ऑब्वियसली आपको खुद से जॉब सर्च करना होगा, और इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, क्योंकि सिर्फ ग्रेजुएशन के बेस पे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। बट ये भी एक फैक्ट है कि आज के डेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है हर फील्ड में, इसीलिए आपका फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स B.Sc या B.Tech यही ऑप्ट करते हैं और ये बहुत कॉमन हो चुका है। इसीलिए 100 to 200 वैकेंसीज में भी अप्लाई करने वाले टेंस ऑफ लैक्स में रहते हैं,
जो पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो 1000 टाइम्स है पायलट प्रोफेशन से। हालांकि कंपैरिजन करना सही नहीं है, बट स्टिल आपके आइडिया के लिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में टोटल पायलट्स का स्ट्रेंथ बिलो 20,000 है इस समय। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना स्मॉल कम्युनिटी है, और ये स्मॉल क्यों है इसका भी रीज़न आप सबको ऑलरेडी पता होगा, दैट इज़ कॉस्टली ट्रेनिंग एंड लैक ऑफ अवेयरनेस। लास्ट पॉइंट है कोर्स फी। बीएससी के कंपैरिजन में बीटेक कोर्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है, क्योंकि ड्यूरेशन ज़्यादा है और नंबर ऑफ एग्जाम्स भी ज़्यादा है। डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज फीस हाईली वेरी कर सकता है, तो वो आपको खुद से देखना होगा। बट ओवरऑल देखा जाए तो किसी भी तरह का एविएशन रिलेटेड ग्रेजुएशन कोर्स आपको पायलट ट्रेनिंग या करियर में मे बी डायरेक्टली काम ना आए, बट यू नेवर नो इनडायरेक्टली ये आपको कब काम आ जाए, मे बी किसी एंट्रेंस एग्जाम में या एयरलाइन इंटरव्यू में। इन एडिशन ये एज अ बैकअप क्वालिफिकेशन भी काम आ सकता है टफ टाइम्स में, जब एयरलाइंस में कोई वैकेंसी ना हो लाइक करंट सिचुएशन, या अगर आप कभी मेडिकली अनफिट हो जाते हो एज अ पायलट तो भी ये आपके काम आ सकता है। तो ये था मेरी तरफ से एक ब्रीफ ओवरव्यू। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।